JVM क्या है? जावा वर्चुअल मशीन इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन होता क्या है? जावा वर्चुअल मशीन इसका फुल फॉर्म है JVM का, बट इसको डिटेल में आपको समझना पड़ेगा, इसका काम क्या होता है, कैसे यूज होता है, इसके क्या फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो इसको हम डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। JVM इज अ स्पेसिफिकेशन वेयर वर्किंग ऑफ जावा वर्चुअल मशीन इज स्पेसिफाइड, बट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडर इज इंडिपेंडेंट टू चूज द एल्गोरिदम। इसके डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, तो जो इम्प्लीमेंटेशन करेगा वो इंडिपेंडेंट है टू चूज द एल्गोरिदम। इट्स इम्प्लीमेंटेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय ओरेकल एंड अदर कंपनीज। अब इसमें देखिए, ओरेकल है ना, ओरेकल पूरे जावा को हैंडल कर रहा है, लेकिन ओरेकल के साथ साथ ये ओरेकल क्या दूसरी कंपनी से भी हेल्प ले रहा है इसके इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब पहला पॉइंट हो गया कि JVM क्या है, एक स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, जावा इज अ JVM इज अ स्पेसिफिकेशन। दूसरा कह सकते हैं, जावा वर्चुअल मशीन इज एन इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन कैसे है? बिकॉज इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज नोन एज JRE, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ठीक है, जावा रन टाइम एनवायरमेंट इसको बोला जाता है, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंट करेंगे ना एनवायरमेंट पे चीज़ों को। और तीसरा कह सकते हैं आप, जावा वर्चुअल मशीन इज अ रन टाइम इंस्टेंस। रन टाइम इंस्टेंस क्यों? वेन एवर यू राइट जावा कमांड ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट टू रन द जावा क्लास, एक इंस्टेंस आपका क्रिएट करेगा JVM। ठीक है, मतलब जब भी एक आप प्रोग्राम को लिख रहे, प्रोग्राम को रन करने के लिए आप कमांड लिख रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, और जैसे उसको रन करेंगे तो JVM क्या करेगा, एक अपना इंस्टेंस क्रिएट करेगा, तो इसलिए एक रन टाइम इंस्टेंस हो गया। तो तीन चीज़ें हो गई, JVM इज अ स्पेसिफिकेशन, और यू कैन से JVM इज एन इम्प्लीमेंटेशन, JVM इज अ रन टाइम इंस्टेंस। क्या करता है ये JVM, का काम क्या है? JVM परफॉर्म्स दिस ऑपरेशंस। फर्स्ट, JVM लोड्स द कोड, JVM वेरीफाइज कोड, एग्जीक्यूट करेगा आपको कोड को वेरीफाई करने के बाद, और एग्जीक्यूट करने के बाद एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि जो आपने कोड किया था उसका आउटपुट आप देख सकें वहाँ पे उस एनवायरनमेंट पे। तो पहला क्या करेगा, जो कोड आपने किया कोड को लोड करेगा, लोड करने के बाद वेरीफाई करेगा, जैसे वेरीफाई कर लिया तो कोड को रन कर देगा, और जो रन किया है वो जो रन टाइम एनवायरनमेंट दे रहा है उस पे, उस एनवायरनमेंट पे आप देख सकते हैं जो रन हुआ है। और इसके साथ JVM प्रोवाइड्स डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब उन चीज़ों को डिफाइन करता है फॉर द मेमोरी एरिया। मेमोरी एरिया एलोकेट करने के लिए बताता है वो, फाइल का क्या फॉर्मेट होगा क्लास फाइल का, रजिस्टर सेट मतलब ये भी एक तरह का मेमोरी है, गारबेज कलेक्शन और फैटल एरर रिपोर्टिंग, अगर कोई एरर आ रहा है आपके प्रोग्राम में वो भी रिपोर्ट करने का काम करता है JVM। इसके कुछ आर्किटेक्चर हैं, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे, बट थोड़ा यहाँ पे आप ओवरव्यू देख सकते हैं। JVM में क्या है, क्लास लोडर, क्लास लोडर के बाद ये क्या है, मेमोरी है, और मेमोरी के बाद एग्जीक्यूशन है, और लाइब्रेरी से कनेक्टेड है। अब ये बोथ साइड जो ये एरो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको ये बोथ साइड मतलब बोथ साइड कम्युनिकेशन हो रहा है, एक साइड नहीं हो रहा, बोथ साइड हो रहा है। ये जो मेमोरी हो क्लास लोडर को कम्युनिकेट कर सकती है, और क्लास लोडर मेमोरी को भी कम्युनिकेट, दोनों साइड का काम हो रहा है। ठीक है, तो ये JVM जो है वो इन मेमोरी एरियाज को एलोकेट करता है। अब क्लास एरिया, हीप, स्टैक, पीसी रजिस्टर, नेटिव मेथड स्टैक, ये सारे क्या है, मेमोरी एरिया है।